है बचपन कौरव बैक विद द वीडियो गाइस। इस वीडियो में जो है मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ है। इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि यार यू कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक इन कैनेडा ऑन अ स्टडी परमिट, इफ़ योर स्टडी परमिट अलाउज टू वर्क यू ऑफ कैंपस। अब जो है इसको हटा दिया गया है, IRCC ने जो है आज ही न्यूज़ आई है ये कि उन्होंने ये जो है लिमिट को हटा दिया है। नाउ स्टूडेंट्स कैन हेल्प दी, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको फॉर मोर देन 20 आवर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स, और उनके लिए भी बेनिफिट है यार जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस वगैरह जो है बहुत ईजिली अब निकल जाएगी अगर वो ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं। अभी तक ये कैप लगा हुआ था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स अ वीक, इसको हटा दिया यार। बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो खुश हो गए हैं, क्योंकि अब उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की, और वहाँ पे अपनी फीस वगैरह कलेक्ट करनी उनको थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब ये जो है परमानेंट अभी नहीं किया, ये 1 साल के लिए है, एंड दिस रूल विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम 15th of November एंड विल कंटिन्यू टिल टू 31st December 2023। तो पूरा 1 साल का जो है इन्होंने ये निकाला है, और बहुत ज़्यादा जो है खुश है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैनेडा के अंदर, तो ताकि अब वो दबा के काम कर सकते हैं। और आपको पता है यार हमारे जो देसी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो एशियन स्टूडेंट्स होते हैं, वो दबा के मेहनत करते हैं यार, अपना प्रॉपर मस्त काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है खुश है कि अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग होएगी, और उनकी फ़ीस वगैरह या उनका जो खर्चा वगैरह वो बहुत ईजिली निकल जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग एट द पार्ट टाइम एज वेल, और उनको काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प होने वाली है अपनी फ़ीस कलेक्शन में। तो काफ़ी अच्छा रूल निकाला है यार इनको, आई होप ये परमानेंट भी कर देना चाहिए कि यार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएँ यार साथ में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो यार, उनकी फ़ीस निकले, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको तो डेफिनेटली बेनिफिट होएगा ही अगर उनको ज़्यादा इंप्लॉयज़ मिलेंगे। और ये किया भी इसलिए गया है क्योंकि कनाडा की जो इकोनॉमी है यार वो काफ़ी डाउन भी जा रही है, और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको यहाँ पे लोग चाहिए काम करने वाले, तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विल हेल्प देम आउट। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी चीज़ है, दोनों तरफ के लिए अच्छी चीज़ है यार, स्टूडेंट्स के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो पार्ट टाइम ढूंढ रहे हैं, जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।